एनके आरजे भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार इस समय अटेली विधानसभा के कनीना क्षेत्र में आया हुआ हूँ। yes. और कनीना ही गांव है शायद ये कनीना। हाँ, अगर मैं बात करूँ, आपने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी सबका शासन देखा, आपके हिसाब से कौन सा बेहतर रहा आपके हिसाब? भारतीय जनता पार्टी से अच्छा किसी का शासन न हरियाणा में आया है, न आगे आने की संभावना है। अपने तत्काल में जो विधायक है सीताराम यादव जी, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? विधायक यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन सत्ता के रूप में अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में सिर्फ बीजेपी पार्टी का राज सबसे बढ़िया रहा है। न यहाँ कोई जातिवाद का काम रहा, न कोई यहाँ किसी कोई भेदभाव किसी नौकरी में और कुछ किया। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ आम जन के लिए यदि अगर पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के राज में विधायकों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो मर्जी आए, कोई विधायक आए, विधायक तो कोई खास मायने नहीं रखते। ऊपर का नेतृत्व तो जिसका बढ़िया होता है, काम वहीं के होते हैं। और पूरे हरियाणा का विकास होना चाहिए, किसी एक क्षेत्र के विकास से कोई फायदा नहीं होता। अपने अटेली महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र की मांग है, आपको पता हो तो। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बावड़ या रोहतक साइड में जाते हैं रोजगार के लिए, तो ये मांग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी पूरा नहीं कर पाई है, क्या उम्मीद है आपको? ऐसा है सर, समय अनुसार सारे काम होते हैं। मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ कि अभी अभी सारा औद्योगिकरण यहाँ हो जाए। ये कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, अगर यहाँ खेती बाड़ी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए न कि उद्योगों के, तो हमारे नौजवान लड़के बावड़ और रेवाड़ी हमारे पास नज़दीक की औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ भी हम खूब कमा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और उद्योग धंधे पनपेंगे, जो जो विकास होगा, लड़के पढ़ेंगे, विकास की बातें होंगी, सारी एजुकेशन का सिस्टम अभी शुरू हुआ है, तो स्वयं उद्योगीकरण हो जाएगा यहाँ। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अब की बार हैट्रिक कर बनाएगी हरियाणा के अंदर? ऐसा है सर, मेरे तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए तो हरियाणा का विकास अच्छा रहेगा। जिस राज्य में रोडों का विकास अच्छा रहेगा, यातायात के साधन अच्छे रहेंगे, उस राज्य का विकास मैं मानता हूँ गति पकड़ेगा। और ये इन्होंने, एक मिनट में रोकना चाहूँगा आपको, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो अमेरिका है उसका विकास होने का सबसे बड़ा अच्छा और सबसे बड़ा कारण बताया कि वहाँ की सड़कें बहुत ज़बरदस्त थी, इसलिए वहाँ सबसे जल्दी विकास हुआ। और आपने कहीं ना कहीं उनकी बात पकड़ ली कि जितनी, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मेरा कोई वास्ता भी नहीं है, मैं तो एक सामान्य सा एक आदमी हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा अपना जीवन का अनुभव है, यदि जिस क्षेत्र में यातायात का साधन अच्छा हो जाएगा, विकास की गति स्वतः खुल जाएगी। शिक्षा का क्षेत्र यदि जहाँ विकसित हो गया, नौजवान रोजगार अपने आप खोद लेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं पनपी, यातायात और शिक्षा यदि नहीं आई, तो वो क्षेत्र पिछड़ जाएगा। अभी भी भारत की अगर हम बात करें, 77 वर्ष हो गए आज़ाद हुए, और अब अगर हम हरियाणा की बात करें तो 1966 के लंगढंग हरियाणा अलग बना था। और अगर मैं बात करूं, अभी हरियाणा की बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतें जिनके अंदर अभी रोडवेज बस नहीं है या यातायात के साधन बिल्कुल नहीं है, ऐसे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आए तीसरी बार तो क्या मांग रहेगी आपकी? ऐसा है सर, मेरी जहाँ तक जानकारी में मेरी बात है, हरियाणा रोडवेज या यातायात के साधन लगभग हरियाणा के सभी गाँवों में लगभग पहुँच चुके हैं। ऐसा नहीं हो अगर भाई किसी गाँव में नहीं जा रहे हो सकता है जहाँ लोकल रूट हो वहाँ सवारियाँ कम है, तो दूरदराज के गाँवों में भी बसें जा रही हैं, मैंने स्वयं अपने आप आंकलन किया है। यातायात के साधन पर्सनल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, वहाँ बसें चलती भी नहीं, रूट के ऊपर बसें खाली चलती हैं, लोग कारों में और मोटरसाइकिल पर चलते हैं। तो रोडवेज जितनी मांग है उतना ठीक, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब बसें खाली चलेंगी तो बताओ उस रूट के ऊपर बस क्या काम करेगी। तो और फिर पर्सनल विकास ज़्यादा हो गया आदमी का, व्यक्तिगत विकास ज़्यादा हो रहा है, उसमें लोग अपने साधनों का ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं न कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। एक अभी सभा हुई थी CM अगर नायब सिंह सैनी ने पार्षदों को लेकर की थी, और अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें तो पार्षदों को ना तो कोई बजट दिया जाता है ना कोई पावर मिलती है, और वो पार्षद नाराज हो गए, तो क्या आपको लगता है रुझान रहेगा? आपके से भी मिलते होंगे पार्षद वगैरह। ऐसा है सर, मैं इतना राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं सच्ची बात बताऊँ, ये सब चाहते हैं कि भाई हमें सब कुछ मिले, लेकिन मेरा इस व्यू में मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता इसके लिए, देखो क्योंकि मैं ऐसा कोई राजनीति से ज़्यादा प्रेरित नहीं हूँ। ये तो देखो सभी लोग मांग करते हैं, एक आदमी चपड़ासी लग जाता है तो वो भी मांगता है मेरे को TED चाहिए, और ये तो प्रतिनिधि आदमी है, ये तो चाहते हैं कि सारी सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। चलो बढ़िया है, इनकी मांग यदि सरकार स्वीकार कर ले तो अच्छी बात है।
देखिए, एक बार अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। कुछ ऐसा ही हमें नज़र आया यहाँ पर कि जो शिक्षा की जो नॉलेज है इतनी ज़बरदस्त है हरियाणा के लोगों के अंदर कि यहाँ के लोग विकास की मांग नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो विकास अपने आप लेके आते हैं। और इन महोदय से मुझे बात करने के लिए बात करने के बाद ऐसा लगा, मैंने हरियाणा और राजस्थान दोनों के लोकसभा चुनाव कवर किए थे और हरियाणा राजस्थान के तो विधानसभा चुनाव भी पूरे किए थे मैंने क्लियर। और ऐसे के अंदर सबसे अभी तक अगर मुझे बेहतर वक्ता और व्यक्ति मिला हो तो इनसे बढ़िया अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिला है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगली विधानसभा की, और तब तक जय भारत, जय जय भारत।